हमारा स्वास्थ्य 2020 में बहुत बहुत खराब हो गया, मतलब कमजोर हो गए शरीर से। तो चेक कराए तो पता चला कि शुगर है, तो शुगर दवा ववा कराए थोड़े समय, और फिर एक लोगों को दिखाए बाबा जी, तो हमको देखे तो थोड़ा मेरे में सुध स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, बहुत तो नहीं है। और उसके बाद पत्नी हमारी डिस्टर्ब हो गई, तब से अब मेरे घर में तब से बहुत कलह चल रहा था, मारपीट जैसी समस्या, विकराल समस्या थी। हम अपने को भूल ही गए कि ये हमारी कोई समस्या है, और इतना सामाजिक मानसिक आर्थिक इतना पतन हुआ है जिसका कोई गणना नहीं की जा सकती है। प्रणाम गुरु जी। हम संत कबीर नगर से आए हैं बाबा जी, और हमारे DNA में 4 लोग हैं, और हमारा स्वास्थ्य 2020 में बहुत बहुत खराब हो गया, मतलब कमजोर हो गए शरीर से। तो चेक कराए तो पता चला कि शुगर है, तो शुगर दवा ववा कराए थोड़े समय, और फिर एक लोगों को दिखाए बाबा जी, तो हमको देखे तो थोड़ा मेरे में सुध स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, बहुत तो नहीं है। और उसके बाद पत्नी हमारी डिस्टर्ब हो गई, तब से अब मेरे घर में तब से बहुत कलह चल रहा था, मारपीट जैसी समस्या, विकराल समस्या थी। हम अपने को भूल ही गए कि ये हमारी कोई समस्या है, और इतना सामाजिक मानसिक आर्थिक इतना पतन हुआ है जिसका कोई गणना नहीं की जा सकती है। दरबार ने तुम्हारी अल्प काटी है, ऐसे समझो, ठीक है? अल्प काटी, ऐसे देखो लीवर कैसे डैमेज, लीवर सिरोसिस की समृद्धि थी। लीवर में इन्फेक्शन हो रहा था, पित्त बढ़ रहा था, गॉल ब्लैडर सिकुड़ रहा था। और संकल्प नहीं कर पाए आप लोग ठीक से, दरबार दरबार के जो संकल्प करने चाहिए, जो दरबार कराता है, आप लोग संकल्प नहीं कर पाए ठीक से। अच्छा, तमाम आपके मुंह में सड़न, बदबू है ना, कुछ भी खाते थे, गले में प्रॉब्लम होती थी, जलन होती थी, खराश होती, चेस्ट में फटन वगैरह जैसे बहुत कष्ट आते थे, सब ये सब नष्ट हो गए। गुदा द्वार में भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, पेशाब रुक रुक के होना, किडनी इन्फेक्शन, दोनों पैरों में ऐठन, ऐसे गर्दन में खिंचाव, तमाम रोग कष्ट ये सब थे आपके। इनके सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं, जो नहीं कर पाए अभी कर दिए जाएं पूर्ण। इनके चित्त में जो स्मृतियाँ हैं रोगी, वो भी सब स्मृतियाँ उनकी नष्ट कर दी हैं। प्रहार पिशाच राज प्रकट, सब खींच के ले जाएं, जो सारी स्मृति सब खींच ले जाएं, कुछ शेष ना बचे। पत्नी के साथ जो रोज गंदा है, गंदी हरकतें होती थी जिसे किसी से कह नहीं पाती, और आत्महत्या के विचार आते थे, वो सभी नष्ट कर दिया खींच के निकाल के, जो इनके साथ गंदी गंदी हरकतें करते थे, बिना वजह से जो गुस्सा हो जाती थी, अपने आप को रोक नहीं पाती थी, बाद में दुख होता था, अनावश्यक चीजें दिखाई सुनाई देती थी, पेट में दर्द होते थे, यूट्रस और तमाम सिस्ट की स्मृतियाँ थी, इनका स्वयं का शरीर आगे लाया जाए। प्रहार पिंडों का श्राप स्तंभित किया जाए, इनके गर्भाशय में सड़न गलन सब नष्ट की जाए, कमर के नीचे के हिस्सा जो कमजोर है वो नष्ट किया जाए, मजबूत कर दिया जाए स्थान को। घर में रह घर से भगाने वाली सभी स्मृतियां इनके नष्ट कर दीजिए। प्रहार दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हथेली पकड़े, आंखें बंद करें दोनों, बाकी बच्चे आंख खोल लें, और आप दोनों एक दूसरे को देखें आंख बंद करके, अंदर ही अंदर देखें मन में,
प्रवेश एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दी, सक्रिय कर दी, सबसे आगे तीन बार बोलियो नमः शिवाय। आंख खोली, अपना अपना बंधन कीजिए, आप सभी को सभी में एक साथ बच्चों को यहाँ से बाह्य प्रवेश। बढ़िया है, अच्छे, एकदम अच्छे। देखो तमाम ये कष्ट थे आपके, सब नष्ट हुए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की स्मृतियाँ थी, मूत्राशय में सूजन, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि और आलस्य पैदा करने वाली ये स्मृतियाँ थी, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, किडनी में सूजन था, फेफड़े सिकुड़ने वाली स्मृतियाँ थी, पसलियों में जकड़न होती थी, OCD की स्मृतियाँ थी, सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, रक्त दूषित था, गुदा द्वार में घाव, पेट में जलन होती थी, श्वास फूलती थी, मस्तिष्क में सुनपन रहना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, किडनी में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में और गले में। बहुत सारे कष्ट, बहुत कष्ट, कष्टों ही कष्टों से भरे हुए, एकदम मृत्यु तुल्य सबका, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के कष्ट सब नष्ट हुए। कल एक महावन करिएगा जो दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, वो कल कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है? ठीक। तीन लोगों रख करके हम बताएंगे कौन कौन रहेगा। खुश हो, खुश रहो बेटा। आपके साथ तो बता ही दिया, बहुत गंदा गंदा होता था, बहुत ही गंदा। चार साल से बहुत दिक्कत में थे, बहुत गंदा गंदा होता। जब इनकी तबीयत डिस्टर्ब हुई तो उन्होंने कुछ जाप किया इनका और हमारा, उसके बाद से हमारा रोना शुरू हो गया, हमारे साथ रात में अजीब अजीब। किसने जाप किया? इनकी कोई फैमिली के कोई जानने वाले थे, तंत्र मंत्र वाले, इसी टोना टोटका में तो लोग परेशान, उन्होंने किया, उसके बाद और समस्या बढ़ गई। हाँ, उसके बाद हमारा रोना बढ़ गया, हम रात रात में रोते थे, हाथ पीट पीट के रोते थे, तो ये कुछ और डाउट करते। आज से रोना पीटना आपका सब बंद। उसके बाद अभी एक साल पहले गुरुजी हमने महाविद्या हवन करवाई, हमारा बच्चा डिस्टर्ब हो गया, बहुत तेज कांप रहा, हमारा घर शांति में था ही नहीं, एक को झड़, एक एक ठीक तो एक डिस्टर्ब, एक ठीक तो एक। किसने बता दिया था महाविद्या हवन घर में कराने? उन्होंने ही, पंडित जी ने बोला कि आप महाविद्या हवन करवा लीजिए, सब सही हो जाएगा। जैसे ही हमने करवाया, करवा के हम घर पे आए, बहुत तेज गर्मी सी महसूस हुई, गुस्सा सा आया, और उसके बाद हमें अपने भीतर डर लगने लगा। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक साल ऐसे जिंदा रहे डर डर के, इनके पीछे, इनके स्कूल जा जा के हमारा बेटा, इतनी इतनी आसुरी, इतनी आसुरी शक्तियां, इतनी आसुरी शक्तियां प्रवेश हुई है ना, बहुत बहुत बहुत। और जब हमें डर लगने लगा तो तमाम वो चीजें प्रवेश कर गई आने के, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब अधोगामी हुए। कभी कभी लगता है बच्चों को खूब पीटे कस के, खूब मारे, खूब गिरा गिरा मारे, इनका खून पी जाए इनका। इनके साथ तो था, लेकिन बच्चों को हम अपने बहुत प्यार करते। हालत हमारी ये हो गई उसके बाद से, ये एक साल के भीतर, कि अगर बच्चे कहते कि मम्मी ट्रिप पे जाना है, हम भेजने की हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, ऐसा मन करता था कि बच्चों को खूब पीटे कूटे। चार साल वाले में जब शुरुआत हुआ है तो लगता था इनको मार, इनका खून पी जाए, ये लगता था, मार भी दिया था हमने। चलो कोई बात नहीं, सब पुरानी बातें हो गई, गंदगी गई, जो जिसको जहाँ जहाँ जाना था दरबार ने वहाँ वहाँ सबको भेजा, आपको सब स्मृतियों से मुक्त किया, आपके तमाम कष्ट सब नष्ट हुए, कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं, ना पति में ना बच्चों में, सब आनंद में खड़े हैं एक ही दिन में। जो आपके चार छः साल के कष्ट एकदम भयानक कष्ट हो गए थे, वो सभी पागलों जैसे सब काम करना, कोई आपसे बात नहीं करता, लगता था दूर रहो आपसे, सब बेटी का भी हाल भी यही था,
ये भी पागल हो रही थी बिल्कुल, बच्ची भी आपकी एकदम डिस्टर्ब दुबली हो गई, मतलब हट्टी कट्टी थी, जब उन्होंने हमको ठीक किया तो ये डिस्टर्ब कहता मेरा चारों लोगों के साथ ठीक होना हुआ हो रही थी। बीच में तो एकदम बेड पे ही पड़े रहना, कुछ नहीं सुनना, ना हिलना। ये तो बच्ची तो आपकी इतनी ज्यादा बदहवास थी, ये कुछ भी कर सकती थी बहुत। इसको अपने प्राइवेट पार्ट से खूब छेड़खानी करने का मन करता था खूब, इसको बहुत गंदी गंदी हरकतें इसके अंदर आ गई थी, भयानक गंदी, थोड़ी बहुत एकदम गंदी गंदी हरकतें। हमेशा इसको तमाम चीज़ें सुनाई देती थी घर में, समझ में आती थी कोई है, ब्रेन की नसें सूख रही थी, छाती में दर्द, भारीपन, और जो डर अपने जो स्त्री अंग है उनको देख करके इसको नफरत होती थी, चिढ़ होती थी बहुत ज़्यादा। सभी नष्ट हुए, अब कुछ भी नहीं है, सब आनंद है। इसी प्रकार छोटी बेटी का हो रहा था, इसके हाथ पैरों में फटन होते थे, फटन होती थी, प्राइवेट पार्ट में घाव हल्के हल्के हो रहे थे इसके स्वयं के, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन वही, इसके प्राइवेट पार्ट में घाव हो रहे थे हल्के हल्के, और छोटे छोटे दौड़ने में पूरी श्वास नहीं ले पाती थी, श्वास फूलने लगती थी। तीनों के साथ हो रहा था हमारे, और हाँ, और इसका मन लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ रहने का इसका मन होता था, और लड़कियों से चिड़चिड़ापन, बच्चियों से किसी के साथ नहीं रह पाती है, ये लड़कों से भी। बोल तो रहा हूँ, पहले सुनो तो ध्यान से, सुनोगे भी तो जी। लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ रहने का मन करता था उसका, जो हम कह रहे हैं ज़्यादा खोल के नहीं कह रहे हैं, ठीक है, उतना पर्याप्त है जितना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसको सब कुछ सूक्ष्म में होता था, इसे कुछ भी याद नहीं है, वो सब गंदगी नष्ट हो गई, वो हरकतें करने वाली गंदगी अलग थी, है ना, सब कुछ खत्म। और इसको जो इन्फेक्शन थे प्राइवेट, वो सब नष्ट हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा कहना उचित नहीं है बच्चों के लिए, इतने काफ़ी है कि जब आपने हवन किया, जो बताया आपने महाविद्या क्या कौन सा हवन कर दिया आपने, उससे लगता था एक दूसरे को जान से मार दें, सभी के अंदर लगता चाकू मार दें, चाकू मार लें, चाकू मार दें, ये तो चार यही साल चलता वाले में हुआ था, अब की वाले में। अरे कौनो साल वाले में हो भाई, चार साल वाले, छः साल, तुम्हें पता भी है कुछ, बेहोश रहती थी तुम आज, हमेशा बेहोशी में, तुम्हें क्या पता क्या क्या होता था। अब आज खड़ी हो पहली बार आप बगैर रोए, हैं एकदम फर्स्ट क्लास हमेशा के लिए, कल एक महावन करें तत्काल प्रातःकाल, सभी खुश हो, तीन लोग करें। Thank you.